हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं UPSC पैट एग्ज़ाम के बारे में। यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड कराने वाली हूँ पैट का कंप्लीट कोर्स। तो जैसा कि मैंने पहले वीडियो बनाया था, उसमें आपको बता दिया आया था कि UPSC पैट की परीक्षा में आपसे क्या क्या पूछा जाने वाला है। उसका हल्का सा आपको पैटर्न दिया था एग्ज़ाम का, और उसका सिलेबस बताया था कि कहाँ से क्या क्या पूछा जाता है। तो वही हल्का सा रिविज़न फिर से कर लेते हैं एक बार। इसमें 15 खंड डिवाइड कर रखे हैं। 100 क्वेश्चन का ये पेपर होता है, 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाता है। साथ ही नेगेटिव पॉइंट ये है इसमें कि इसमें नेगेटिव मार्किंग कर रखी है, जो कि 1/4 की है। तो इसका हल्का एक झलक सिलेबस की ओर देखते हैं। तो भारतीय इतिहास में हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल भी पूछा जाएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन के बारे में आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, सामान्य विज्ञान, प्रारंभिक अंकगणित, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, रीजनिंग भी होगी इसमें, करंट अफेयर भी होगा, GK होगी यानी सामान्य जागरूकता, हिंदी गद्यांश पूछा जाएगा, ग्राफ होगा, तालिका होगी। तो इस तरह से इसका ये 15 खंड में सिलेबस को डिवाइड कर रखा है। तो आज मैं शुरुआत करने वाली हूँ इतिहास से। इतिहास में आपसे कहाँ कहाँ क्या क्या पूछा जाएगा एक नज़र इस पर मार लेते हैं। 5 अंक का होगा ये, 5 ही प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे यहाँ पर। गलती मत कीजिएगा, कोई नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में रहेंगे तो नुकसान हो जाएगा। इसलिए जितना पढ़ें सही पढ़ें और उतना ही करें जितना आपको आता है, तो कम आ रही तो दिक्कत हो जाएगी। तो जैसा कि आप जानते होंगे, UPSC पैट जो है यूपी से जितने भी एग्ज़ाम निकलते हैं उन सब के लिए कंपलसरी कर दिया गया। अगर आप पैट क्वालिफाई नहीं हैं तो आप यूपी के किसी भी एग्ज़ाम में बैठ नहीं सकते। तो इसके लिए आप कमर कस लीजिए पैट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। जिसका नहीं हुआ वो तैयारी करने, जिसका हो गया उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ, आगे अपनी तैयारी करते रहें। तो इतिहास में हम लोगों को क्या क्या यहाँ पढ़ना है। इतिहास में हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे हम, साथ ही जैन धर्म के बारे में, मौर्य वंश के बारे में आपसे पूछा जाएगा, गुप्त वंश के बारे में, गुप्त वंश में क्या है, समुद्रगुप्त हो जाएंगे आपके, चंद्रगुप्त द्वितीय है, फिर हर्षवर्धन के बारे में बात करेंगे आगे चल के, इसमें राजपूत काल हो जाएगा, फिर सल्तनत काल है, मुगल साम्राज्य में कौन कौन से शासक हुए, फिर मराठा शक्ति के बारे में बात करेंगे। इसके बाद में आ जाएगा आपका टॉपिक ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, और लास्ट टॉपिक इसमें हो जाएगा ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। तो इस तरह से ही भारतीय इतिहास का जो है सिलेबस है जो पेट में आने वाला है, और 5 प्रश्न हैं 5 ही अंक के। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे भारतीय इतिहास से। इतिहास में पहला टॉपिक हमारा रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है, तो इसमें मैंने ऐसे बहुत डीप नहीं गई हूँ, फैक्चुअल खास खास फैक्ट को जो को मैंने उठाया, बड़े सिलेक्टेड पॉइंट है यहाँ पे, उन्हीं को लेकर के आई हूँ। बहुत लेंदी वीडियो करना होता तो चैनल पे बहुत सारे पहले से वीडियो पड़े हुए हैं, उसको आप वहाँ के जा देख सकते हैं। बहुत अच्छे से डीप में हर सब्जेक्ट को पढ़ाया गया है, चाहे आपका हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, पर्यावरण हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। यहाँ पर आपका मैं सिर्फ और सिर्फ क्विक रिवीजन कराने वाली हूँ, जो बहुत कम टाइम में 15-20 मिनट या 30 मिनट का बस मुश्किल से वीडियो होगा, तो आपको बहुत कम टाइम में अच्छा सा रिवीजन हो जाएगा वहाँ। यहाँ पर बस वही प्रश्न लेकर के मैं आई हूँ जो इस पेट एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेट एग्ज़ाम है, कोई UPSC और RO टाइप का तो एग्ज़ाम नहीं है, PCS टाइप का, कि हाँ अगर टफ क्वेश्चन यहाँ पर रखेंगे, इजी क्वेश्चन है। लेकिन होता क्या है, कभी कभी हम इसी इजी क्वेश्चन में भी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो आपको करना क्या, जो मेरा भाई साथी जो पहले से पढ़ते आ रहे तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो बस एक बार ही वीडियो देखना होगा, टाइम मिले थोड़ा PDF वगैरह पढ़ लें जो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। और जो भाई बहन नए हैं, अभी चैनल पहली बार आए हैं या YouTube पर ही पहली बार आए, तैयारी में नए कदम रखा है इस पर, तो उनके लिए वीडियो से 2 बार देखना होगा, साथ ही PDF को पढ़ लें और इन प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व कर लें। इनके इसे पढ़ाने के बाद में आपको मैं इसके MCQs भी सॉल्व कराने वाली हूँ, और वो सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे जो पुरानी परीक्षाओं पिछली परीक्षाओं पूछे गए हैं और आने की उनकी संभावना है। ठीक है, तो साथ रहिए हमारे, चलते हैं वीडियो में, स्टार्ट करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम सभ्यता उत्तर पश्चिम क्षेत्र में विकसित हुई। तो कहाँ पर विकसित हुई, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में। उत्तर पश्चिम क्षेत्र कौन सा हो जाएगा आपको दिखा देती हूँ। उत्तर पश्चिम क्षेत्र जैसे कि यहाँ पे अपनी दिशा को बना लेते हैं, ये नॉर्थ हो जाएगा, ये वाला एरिया नॉर्थ का है, ये पूरब वाला हो जाएगा ईस्ट का, ये आपका दक्षिण साउथ हो जाएगा, और ये आपका पश्चिम यानी वेस्ट। तो कहाँ पर, उत्तर पश्चिम इस वाले एरिया में
ठीक है, चलिए वापस आते हैं। दूसरा फैक्ट है अपना, भारत की प्रथम सिंधु सभ्यता है। सिंधु सभ्यता कहें या फिर हड़प्पा संस्कृति, इसे और भी अन्य नामों से जाना जाता है। सिंधु सभ्यता के जो निर्माता हैं वो द्रविड़ माने जाते हैं। ठीक है, सिंधु सभ्यता की खोज ब्रिटिश अधिकारी जॉन मार्शल के संरक्षण में राय बहादुर दयाराम साहनी एवं राखल दास बनर्जी द्वारा 1921 में हुई थी, इन्होंने की थी। जॉन मार्शल के निर्देशन में 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल का उत्खनन कार्य करवाया था। बात करते हैं आगे, मोहनजोदड़ो के टीलों को 1922 में खोजने का श्रेय राखल दास बनर्जी को ही जाता है। सिंधु सभ्यता को वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। किस नाम से जानते हैं? हड़प्पा सभ्यता से। ठीक है, तो मैं कह रही हूँ जो खास खास इम्पोर्टेंट हैं उन्हें जो फैक्ट वो हैं रिपीट कर लीजिएगा, वीडियो को टाइम अगर मिले तो दोबारा से देख लीजिए, तो ताकि आपकी जो क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं अच्छे से आपको याद हो जाए। हड़प्पा सभ्यता को ऋग्वेद में किस नाम से जानते थे? तो हरि यूपिया नाम से जानते थे इसे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त तो जो नाम है वो हड़प्पा सभ्यता, आप सभी जानते हैं हड़प्पा सभ्यता से फेमस है। हड़प्पा सभ्यता प्रस्तरयुगीन काल से संबंधित है और साथ ही इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। अगला पॉइंट है अपना, सिंधु बाग तथा मृतकों का टीला हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो के पुरास्थल को कहा गया है। क्या कहा गया है? सिंधु बाग और मृतकों का टीला। सैंधव काल की लिपि कैसी थी? तो ये इसकी लिपि जो है चित्राक्षर थी। चित्राक्षर मतलब पेंटिंग्स थी, चित्र वगैरह बने हुए थे और साथ ही लिखा हुआ था। दुर्भाग्य की बात यह हमारे लिए वो लिखी तो है लेकिन आज तक उसे कोई पढ़ नहीं सका, पढ़ने अभी तक सफलता हासिल नहीं हुई है। कोशिश जारी है, देखते हैं समय रहते कब तक उसमें सफलता प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का जो आकार है कैसा है? त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार कैसा हो जाएगा अपने इंडिया के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो इस तरह से कुछ आएगा, और इधर पश्चिम में यानी कि पाकिस्तान एरिया में चला जाएगा और इधर गुजरात से इधर होते हुए इस टाइप से बनेगा, कुछ इसका इस टाइप से आकार है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की जो मुद्राएं हैं मिट्टी से निर्मित की जाती थी और मुद्राएं जो आयताकार हुआ करती थी, आयताकार आयताकार इस तरह की हो गई। ठीक है, अधिकतर हड़प्पाई मोहर पर सांड का चित्र है क्योंकि इनका प्रिय पशु था सांड जो है, और उस टाइम हड़प्पा वासी लोगों को जो है माप तोल का भी ज्ञान था, तो जब माप तोल का ज्ञान होगा तो उन्हें बाट की ज़रूरत पड़ती थी, तो बाट में उन्होंने क्या उपयोग किया था? उन्होंने 16 के गुणक का प्रयोग किया था, 16, 32, 64 इस तरह से। अब बात करते हैं इसके काल की, इसका काल विभाजन जो माना जाता है कैसे कैसे किसने क्या रखा है, तो अब सबके अलग अलग विचार हैं। सभी विद्वान जो हैं बी स्मिथ के अनुसार उन्होंने जो रखा है उन्होंने बताया है कि 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। वहीं बात करते हैं रेडियो कार्बन C14 की, तो इन्होंने इसके अनुसार जो टाइम बताया गया है इसका टाइम पीरियड जो है 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। द गजेटियर ऑफ इंडिया के अनुसार इसका टाइम पीरियड जो है 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। तो सभी विद्वान हैं, अलग अलग सभी के मत हैं, उनके हिसाब से अलग अलग टाइम दे रखा है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट और सबसे जो फैक्ट माना गया है वो 2500-1500 ही, ज़्यादातर क्वेश्चन में पेपर में यही पूछा जाता है और यही इसी को आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अपना, सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता नगरी सभ्यता और साथ ही से कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगर जो हैं नदियों के किनारे बसे हुए थे। सिंधु सभ्यता सिंधु नदी उसके सहायक नदियों के किनारे विकसित हुई। सिंधु सभ्यता में कालीबंगा से क्या मिला हुआ है? ईंट मिली है। कैसी? नक्काशीदार ईंटों का प्रमाण मिला हुआ है, तो नक्काशीदार यानी कि अलंकृत। हो सकता है पेपर में आपको नक्काशीदार शब्द ना दे रखा हो, यहाँ पे अलंकृत दे रखा हो, तो इस प्रकार के ईंटों का जो प्रमाण मिले हैं वो कालीबंगा से मिले हैं। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो का अन्नागार थी। सिंधु सभ्यता में प्रयुक्त ईंटों की जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात है वो अनुपात है 4:2:1 माना गया है इसका। मेलुहा सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम था। क्या नाम था?
मेलू। हाँ, सबसे पहले सिंधु सभ्यता के दो प्रमुख स्थल, प्रमुख स्थल कौन है सभी जानते होंगे, आप सभी लोग पढ़ते आ रहे हैं। सबसे पहला तो हड़प्पा हो जाएगा, दूसरा आपका मोहनजोदड़ो हो जाएगा। ये सबसे पहले ये मिली थी। हड़प्पा जो है पाकिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान का साहिलवाद जनपद में, साहिलवाद जनपद में ये स्थान पड़ता है। क्या चीज़? हड़प्पा। आगे देखते हैं। मैं फिर से भाई बहन को आपको बता दूं कि ये मैं रिवीजन सीरीज़ लेकर के आई हूँ। अगर किसी को भी डीप जाके पढ़ना है, मैं यही कंसेप्ट समझाना शुरू कर दूँ तो बहुत टाइम चला जाएगा। इतना टाइम मुझे लगता है आपके पास है भी नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है, 1 से 1.5 महीना बचा हुआ है। तो अभी आप रिवीज़न कर लीजिए, और किसी को टाइम होता है और किसी को अच्छे से पढ़ना है डीप में जाके, तो चैनल पर आपको बहुत अच्छे से एक एक शब्द समझाया गया है, तो आप जाके चैनल को विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी सब्जेक्ट की अच्छे से क्लास दी गई है अनुराग सर के द्वारा। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं इसमें। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल जो हैं गुजरात से मिले हैं। ठीक है, गुजरात से मिले हैं। अगर बात करें इसमें जब उसकी खुदाई वगैरह हुई थी, तो लगभग 250 से 300 ऐसे स्थल मिले थे जहाँ से किसी न किसी के साक्ष्य, कुछ ना कुछ प्रमाण मिले हुए हैं। लेकिन सबको अभी याद रखेंगे तो कितना याद रखें, बाकी सब चीज़ें भूल जाएंगे। तो इससे अच्छा है कुछ खास जो इंपॉर्टेंट अभी तक एग्जाम में पूछे जाते रहे। अब 250 से 300 में से मेरे हिसाब से 10-12 इंपॉर्टेंट है, उसमें से भी जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। जैसे हड़प्पा हुआ, मोहनजोदड़ो है, चनहुगुदड़ो है, सुरकोटदा है, लोथल, धोलावीरा, कालीबंगा, इस टाइप से जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और आगे पूछने जाने की संभावना है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता से स्वास्तिक के अवशेष मिले हुए हैं। स्वास्तिक ये वाला चिन्ह है इसका। हड़प्पा वासी जो है फिनीसिया के मूल निवासी थे, ये ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा वासी जो है फिनीसिया के मूल निवासी थे। सर्वप्रथम कपास उपजाने का श्रेय भी हड़प्पा वासियों को जाता है। मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है बहुत पूछा जाता है एग्ज़ाम में, इसे बोलते हैं मृतकों का टीला। हो सकता है आपको एग्ज़ाम में ये माउंटेन ऑफ डेड लिखा मिल जाए, कि घुमाने के लिए हमें कुछ भी बोल देते हैं, इंग्लिश में लिख दें, उर्दू में लिख दें, हिंदी में लिख दें, तो वो उसके लिए हमें एक्टिव रहना होगा एग्ज़ाम के टाइम में। ठीक है, उसमें उनकी गलती नहीं है, हमें थोड़ा सचेत होकर पेपर करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है इसमें, सिंधु सभ्यता में कुंभकारों के भट्टे के अवशेष कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। अब कुंभकार थे तो बर्तन वगैरह बनाया करते थे मिट्टी के, तो कच्चे बर्तन तो जल्दी टूट फूट जाएंगे, तो उन्होंने उसके लिए पकाने के लिए भट्टे वगैरह बनाए होंगे, तो उसके अवशेष उन्हें मोहनजोदड़ो से मिले हैं। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार मिला है। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की खोज जो है जॉन मार्शल ने की थी, और यह जो विशाल स्नानागार है इसके लिए जल की जो आपूर्ति है कुओं से की जाती थी। अब वही विशाल स्नानागार आज का स्विमिंग पूल ले लीजिए, आज के टाइम में तो क्या समर है, ट्यूबवेल है, तमाम पानी की सुविधा बहुत कुछ दे रखी है, कहीं से कैसे भर सकते हैं, उस टाइम में क्या हुआ, कुछ नहीं होगा ना सब चीज़ें, तो कुओं से खींच खींच के उसे भरा जाता होगा, रस्सियों से निकाल करके पानी को, ऐसा मानते हैं हम सब लोग। मोहनजोदड़ो के स्नानागार के पूर्व में, अब जहाँ ये स्नानागार बना था उसके पूर्व में स्थित एक स्तूप मिला है। स्तूप का निर्माण जो है माना जाता है कि कुषाण काल में करवाया गया था। आगे बात करते हैं हम इसमें, अंडाकार सबके अवशेष सुरकोटदा से मिले हैं। अंडाकार सबके अवशेष जो हैं कहाँ से मिले हैं? सुरकोटदा से। एक कब्र में दो शव आपस में लिपटे, दो शव यानी कि युग्म समाधान कहें या फिर युग्ल समाधान कहें, कहाँ से मिले हैं? ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये लोथल से मिला हुआ है। पुजारी का सिर मोहनजोदड़ो से मिला है। पुजारी का सिर या फिर पुरोहित की बात करें तो इसके साक्ष्य में कहाँ से मिलती है? मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता का प्रधान बंदरगाह जो है वो लोथल है, आप सभी जानते हैं। सिंधु सभ्यता के विस्तार क्षेत्र की बात की जाए तो कहाँ से कहाँ है? जम्मू कश्मीर, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, यूपी, इधर हरियाणा हो जाएगा, बलूचिस्तान यानी कि पाकिस्तान, सिंध यानी कि पाकिस्तान, ये इसका विस्तार क्षेत्र है सिंधु सभ्यता का। सिंधु सभ्यता में प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 7 को ही नगर की संज्ञा दी गई। 7 किसको? 7 स्थल को ही नगर की संज्ञा दी गई। मैंने अभी कहा था आपसे 250 से 300 की खोज हुई है, लेकिन उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट वो ये हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुगुदड़ो, लोथल, कालीबंगा, हिसार, बनावली, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्हें नगर की संज्ञा दी गई है। सिंधु सभ्यता जो है, सिंधु सभ्यता में समाज जो 4 विभागों में विभाजित था, 4 भागों में कौन कौन से वो भाग थे? विद्वान थे, योद्धा,
व्यवसायी यानी कि आज के बिजनेसमैन और श्रमजीवी यानी कि गरीब, मतलब ऐसे लेबर क्लास लोग कह सकते हैं, मजदूर टाइप से जो आज के आते हैं श्रमजीवी, इन चार भाग में विभाजित था। ये सिंधु सभ्यता जो है इसमें मानव का जो भोजन किस प्रकार का था, वो लोग शाकाहारी भी थे और मांसाहारी, वो सभी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। शुरुआत की बात करें तो मांसाहारी थे, धीमे धीमे करके उनका विकास होता गया और इस तरह से उनके रहन सहन खान पान में बदलाव हुआ, तो वो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार के सेवन करने लगे। सिंधु सभ्यता के जो मानव है सूती वस्त्र और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे। सिंधु सभ्यता के मानव आने जाने के लिए यानी कि आवागमन के लिए दो पहिया और चार पहियों वाली बैलगाड़ी तथा इक्के गाड़ियों का प्रयोग करते थे। अब आज का टाइम तो है नहीं वही, सबके घर पे फोर व्हीलर, किसी के पास सफारी, किसी के पास फॉर्चुनर, वो सब तो नहीं है, लेकिन हाँ अपने टाइम के हिसाब से वो बहुत विकसित हो चुके थे। बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने आवागमन के लिए दो पहियों चार पहियों की गाड़ियों का विकास कर लिया था। सिंधु सभ्यता में अब मनोरंजन के भी साधन कुछ ना कुछ रहे होंगे, तो वो कौन कौन से थे, शतरंज, संगीत, नृत्य, डांसिंग वगैरह भी था, जुआ आदि, ये सब उनके मनोरंजन के साधन थे जो कि आज के टाइम में भी प्रचलित हैं। सिंधु सभ्यता के मानव मातृ देवी और शिवलिंग की उपासना करते थे। समाज जो है मित्र मातृ सत्तात्मक था। सिंधुवासी बैल को शक्ति का प्रतीक मानते थे, सांड को पवित्र मानते थे, और सिंधुवासियों का जो प्रिय पशु है सांड था, मैंने पहले बताया थोड़ी देर पहले। सुरकोटदा के लोगों को घोड़े का ज्ञान था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है, इसे नोट कीजिएगा। और मोहन जोदड़ो से घोड़े के दांत के अवशेष मिले, अब मोहन जोदड़ो एक जगह पड़ती है राणा गुंडई, वहाँ से घोड़े के अवशेष मिले। एक होता है हाथी दांत का पैमाना, कहाँ से मिला, लोथल से, बहुत इंपॉर्टेंट है, और घोड़े के दांत के अवशेष मोहन जोदड़ो में राणा गुंडई से, ये इंपॉर्टेंट मैसेज आते हैं, इन्हें आप नोट कीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है अपना, मोहन जोदड़ो से सीप और लोथल से हाथी दांत से निर्मित एक एक पैमाना मिला है, पैमाना यानी कि स्केल यहाँ से मिला हुआ है। लोथल से घोड़े की लघु मृण मूर्तियों के अवशेष मिले हैं, कहाँ से, लोथल से मिले हैं ये। सुरकोटदा से घोड़े की अस्थियों के अवशेष मिले हैं, कहाँ से, सुरकोटदा से। कालीबंगा से क्या मिला है, कालीबंगा से मिला है जुते हुए खेत का प्रथम साक्ष्य। वही मेहरगढ़ की बात करें तो मेहरगढ़ से भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है जो कि लगभग 7000 ईसा पूर्व है। हड़प्पी नगरों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण जो है, उनकी क्वालिटी क्या थी, सबसे अच्छी जो थी, योजनाबद्ध विन्यास, उन्होंने जो अपना घर बना रखा था, वहाँ के लोग बड़े सिस्टमेटिक तरीके से बसे हुए थे। तो आज के शहरों को देखें तो कहीं उनकी गलियाँ टेढ़ी मेढ़ी हैं, कहीं कुछ, मतलब सिस्टमेटिक नहीं है, घर भी एड़े बेड़े बने हुए हैं, नालियाँ उतनी अच्छे से तरीके से नहीं बनाई हुई हैं, लेकिन उस टाइम के लोग बड़े सिस्टमेटिक तरीके से रहते थे, नालियाँ ढकी हुई थी, सड़कें चौड़ी थी, साफ़ सुथरी थी, ये सब चीज़ें उनकी क्वालिटी थी वहाँ की, उन लोगों की। सिंधुवासी जो लोग हैं तांबे धातु का प्रयोग करते थे, तांबे के साथ साथ उन्हें चांदी, सोने, कांसा, इन सभी धातुओं का ज्ञान था, लेकिन उन्हें ज्ञान किस चीज़ का नहीं था, तो उन्हें ज्ञान नहीं था लोहे का। सिंधु घाटी के लोगों द्वारा भाषा जो भाषा आज तक पूर्ण रूप में पढ़ी नहीं जा सकी, मैंने अभी बताया था आपको, उन्होंने लिखा तो है लेकिन ऐसी लिखी है वो हमारे लिए कि हमें समझ ही नहीं आया उन्होंने लिखा क्या है, तो कोशिश जारी है, अब देखते हैं कहाँ तक पहुँचती हैं, कहाँ तक सफलता प्राप्त होती है। मोहन जोदड़ो की सड़क की जो लंबाई है वो 400 मीटर लंबी है और 10 मीटर चौड़ी है, यानी सड़कें जो है लंबी चौड़ी अच्छे से हुआ करती थी। सिंधुवासियों को जो मुख्य पैसा था वो क्या था, कृषि और पशुपालन। शुरुआत में तो लोग शिकारी थे, आखेटक यानी कि खाद्य संग्राहक वगैरह हुआ करते, धीमे धीमे करके उनका विकास हुआ तो उन्होंने कृषि वगैरह शुरू किया, पशुपालन शुरू किया, व्यापार करने लगे, इस तरह से धीमे धीमे उनका विकास होता चला गया। अब तक सिंधु सभ्यता में कुल 9 फसलों के उगाए जाने के संकेत मिले हैं। सबसे पहला जो फसल मानी जाती वो जो है जो ईरान में, और गेहूँ की बात करें तो मेहरगढ़ में, इस तरह से ये सबसे पहली फसलों के साक्ष्य हैं। हड़प्पावासी जो हैं सुमेर देश से व्यापार करते थे, मैंने कहा कि धीमे धीमे उनका विकास होता गया तो कृषि किया, पशुपालन किया, फिर वो व्यापार भी करते थे। सिंधु सभ्यता के विनाश, अब विनाश की बात करते हैं इनकी, तो विनाश के कारण क्या क्या मानते हैं, कोई बाढ़ मानता है, कोई सूखा मानता है, कोई कहता है कि विदेशी आक्रमण हुआ, विदेशी आक्रमण यानी कि आर्यों का आगमन हुआ,
इन सभी चीज़ों को जिम्मेदार ठहराते हैं इसके विनाश के लिए। अर्नेस्ट मैके एवं जॉन मार्शल के अनुसार सिंधु सभ्यता के पतन का जो कारण क्या है, उन्होंने बाढ़ को माना है। ठीक है, तो मैंने बताया कि इसका जो इम्पोर्टेंट जो प्रमुख कारण है वो बाढ़ ही है। अब सिंधु सभ्यता में विदेशी व्यापार, तो कुछ चीज़ें नहीं हुआ करती होंगी, तो वहाँ पे उस टाइम में क्योंकि व्यापार करने लगे थे हम लोग, तो कुछ चीज़ें हमारे पास नहीं थी, उन्हें हम आयात करते थे, कुछ निर्यात भी करते रहे होंगे, तो जैसा मैं फैक्ट मिले हैं। तो उसके लिए खेतड़ी, जो कि आप आज भी बड़ी फेमस है तांबे के लिए, जो खेतड़ी राजस्थान में पड़ती है, तो खेतड़ी से तांबा आयात किया जाता था, खेतड़ी से बलूचिस्तान से, अफगानिस्तान और ईरान से चांदी का आयात किया जाता था। कर्नाटक जो कि आज भी फेमस है, आज भी यहाँ पे कर्नाटक सोने की खान है, कोलार की खान बहुत फेमस है कर्नाटक में, कर्नाटक, अफगानिस्तान और ईरान से सोना आयात किया जाता था। अफगानिस्तान और ईरान से टिन, सौराष्ट्र यानी कि महाराष्ट्र से गोमेद और ईरान से सीसा, ये सभी धातुएं वहाँ से आयात की जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सिंधु सभ्यता के पतन के कारण। जैसे कि मैंने अभी बताया, अलग अलग मत प्रतिपादक हुए हैं, सभी के मत अलग हैं, किसी का मानना कुछ है, किसी का कुछ, सभी के कारण अलग दे रखे हैं, प्रतिपादक के मत ही अलग हैं, देखते हैं किसने क्या कहा है। तो सूद और अग्रवाल ने माना है कि नदी की शुष्कता के कारण सभ्यता का पतन हुआ होगा। KUR कनेडी का मानना है कि प्राकृतिक आपदा रही होगी कोई, जिसकी वजह से सभ्यता का पतन हो गया। फेयर सर्विस का मानना है कि कोई पारिस्थितिकी असंतुलन बन गया होगा, इससे पर्यावरण का नुकसान होने की वजह से कुछ ऐसी स्थिति बनी होगी, प्राकृतिक कोई आपदा आई होगी जिसकी वजह से इस सभ्यता का पतन हुआ। आर मार्टिमर व्हीलर का मानना है कि आर्यों का आक्रमण से हो सकता है सभ्यता का पतन हुआ हो। गार्डन चाइल्ड का मानना है, गार्डन चाइल्ड और स्टुअर्ट पिगट का मानना है कि बाहरी आक्रमण यानी विदेशी आक्रमण की वजह से हो सकता है सभ्यता का पतन हुआ। और वहीं मार्शल मैके एवं SR राव का मानना है कि बाढ़ की वजह से भीषण बाढ़ आई होगी और सभ्यता का पतन हो गया। तो सबके अपने अपने विचार हैं। जो सबसे प्रमुख को बहुत प्रचलित है वो है बाढ़ को ही ज़्यादा माना गया है सभ्यता के पतन का कारण। तो आप ही भी क्वेश्चन पेपर में अगर आ जाता है क्वेश्चन कि सभ्यता का पतन का कारण क्या था, तो आप कोशिश कीजिएगा इन ऑप्शन में से अगर कोई, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो हो जाएगा वो भीषण बाढ़ को मान लिया जाएगा, क्योंकि बाढ़ ज़्यादा लोग मानते हैं इसे। आगे है सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल। जैसे मैंने आपको बताया था 250 जगहों की खोज हो चुकी थी, स्थलों की लगभग 300। अब 300 याद रखना तो पॉसिबल नहीं है किसी के लिए, उन्हें याद रखें तो बाकी चीज़ें हम हिस्ट्री भूल जाएंगे, हिस्ट्री में खो के रह जाएंगे। तो देखते हैं यहाँ पे स्थल हैं, नदियाँ हैं, उसके खोजकर्ता उत्खननकर्ता के नाम दे रखे हैं, और किस वर्ष में खोज हुई थी, और साथ ही स्थिति कहाँ पे, ये चीज जगह कहाँ पे पड़ती थी। तो इनमें से 14 के नाम, इनमें से 5-6 बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बाकी हम सबको देख लेते हैं एक बार। हड़प्पा जो है रावी नदी किनारे पड़ता है ये, इसकी खोजकर्ता जो हैं एक कनिंगम है, 1856 में की थी दयाराम साहनी ने, 1921 में माधव स्वरूप वत्स ने, 1926-27 में। ये पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला यानी कि साहिवाल जनपद में पड़ता है। मोहन जोदड़ो ये आपका इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट, जो सिंधु नदी किनारे पड़ता है, और इसकी खोज जो है 1922 में राखल दास बनर्जी ने की थी, ये भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में पड़ता है। सुतकांगे डोर ये दास नदी किनारे है, ऑरल स्टाइन ने 1927 में और जॉर्ज डेल्स ने 1962 में इसकी खोज की थी, ये पाकिस्तान की बलूचिस्तान क्षेत्र में पड़ता है। चनहुदड़ो की बात करें तो ये भी सिंधु नदी किनारे हैं, और इसके खोजकर्ता हैं गोपाल मजूमदार, उन्होंने 1931 में इसकी खोज की थी, ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। कोट डीजी सिंधु नदी किनारे है, घुरी खोजकर्ता है इसके 1935 में, और फजल अहमद 1955 में इसकी खोज करता है, पाकिस्तान का सिंध प्रांत यानी कि खीरपुर में ये स्थान पड़ता है। रोपड़ की बात करें तो रोपड़ जो है आपका सतलज नदी के किनारे है, इसके खोजकर्ता जो हैं यगदत्त शर्मा, इन्होंने 1953-55 में इसकी खोज की थी, और यह पंजाब के रोपड़ जिला में स्थित है। वही रंगपुर देखते हैं तो रंगपुर आपका भादर नदी के किनारे हो जाएगा, और इसके खोजकर्ता हैं माधव स्वरूप वत्स एवं रंगनाथ राव, इन्होंने 1953-56 में इसकी खोज की थी, और ये गुजरात के काठियावाड़ जिले के अंतर्गत आता है। लोथल जो है भगवा नदी के किनारे, ये इम्पोर्टेंट है आपका, देखिए बता देती हूँ, जो इन्हें बिल्कुल आप दिमाग में इनकी फोटोकॉपी जरूर कर लीजिए, मोहन जोदड़ो, हड़प्पा हो गया, चनहुदड़ो हो गया, इसमें
लोथल है, आलमगीर है, बनावली, कालीबंगा, धोलावीरा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इन्हें रट लीजिए बिल्कुल आप, कोई तरीका नहीं, 3-4 बार पढ़ेंगे अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन वाली बात नहीं है, माइंड फ्री करके पढ़ाई कीजिएगा। तो रंगपुर बता दिया, अब बात करते हैं भोगबा की, ये भी हो गया, गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में है। अब बात करते हैं आलमगीर की, आलमगीर इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यूपी से रिलेटेड है, यूपी में मेरठ ज़िले के अंतर्गत आता है ये, और ये हिंडन नदी के किनारे है। इसकी खोजकर्ता जो है 1958 में इसकी खोज की थी अगदत्त शर्मा ने। बनावली जो है सरस्वती नदी के किनारे था, रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसकी खोज की थी 1974, और ये हरियाणा के हिसार ज़िले में आता है। कालीबंगा की बात करें तो ये घग्गर नदी किनारे है। अमलानंद घोष ब्रजवासी लाल बीके थापड़ ने इसकी 1961 में खोज की थी, और राजस्थान का हनुमानगढ़ ज़िला में स्थित है ये। धोलावीरा 1967-68 में JP जोशी ने इसकी खोज की, गुजरात का कच्छ ज़िला के अंतर्गत आता है ये। बालाकोट की बात करें तो ये विंदा नदी के किनारे है। जॉर्ज डेल्स ने इसकी 1963 से 79 के आसपास की उत्खनन करता रहे हैं ये, और ये अरब सागर क्षेत्र के आसपास स्थित है। मांडा की बात करें तो मांडा जो है चिनाब नदी के किनारे स्थित है, और JP जोशी ने 1975-76 में इसकी खोज की थी, और अभी इसकी स्थिति जो है जम्मू यानी कि अखनूर क्षेत्र के आसपास है। तो ये हो गए सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल। इसके अलावा तो अगला टॉपिक हमारा होगा वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। आज के सिंधु सभ्यता का टॉपिक मैंने कंप्लीट कर दिया है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताइएगा कैसा क्या लग रहा है। तो अगर आपका सपोर्ट अच्छा रहा, रिस्पॉन्स अच्छा मिला, तो वीडियो को मैं कंटिन्यू रखूँगी। तो इस तरह से आपका UP SSC पैट का जितना भी सिलेबस है, हिस्ट्री से स्टार्ट करके जहाँ तक जो जितना मुझसे बनता है कम्प्लीट पूरा करा दूँगी, 1.5 महीना है, सब रखिएगा। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ इस YouTube चैनल पे, मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। पढ़ो पढ़ाओ, लाइफ बनाओ।